अगर आप किसी की मोहब्बत का भी दावा करते हैं, चाहत का भी दावा करते हैं और आपके सामने उसकी ज़ेहनी से तबाह हो रही है, तो मुझे बताइए कि वो जितना बड़ा बंदा होगा तबाही उतनी बड़ी होगी। अगर वो नॉन फंक्शनल होगा तो तबाही थोड़ी होगी, अगर वो फंक्शनल होगा तो तबाही बहुत ज़्यादा होगी। अगर वो कोई लीडर होगा या कोई सीईओ होगा तो तबाही बहुत ज़्यादा होगी। और अगर कोई बोलता है तो उसको भला क्या कहा जाता है? अगर कोई बोलता है तो उसको क्या कहा जाता है? कहते हैं अपने काम से काम रखो। वो कहता है कि अपने काम से काम रखो वरना तुम्हारी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि जब भी कोई बोलता है, घर में नशे का मसला होता है और 6 लोग हैं और 1 बोलता है और 5 नहीं बोलते, तो बिस्ती किसकी होगी? जो बोलता है। और वो जाके दोस्त को कहता है, यार देखो मैं बोलता हूँ और मेरी बेइज्जती होती है, तो वो बार वाला क्या कहता है? वो कहता है तू ना बोला कर। वो कहता है अच्छा ना बोला करूँ, देखिए मेरा भाई है या मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, तो मैं नहीं बोलूँगा तो उसका क्या बनेगा। तो मुझे ये बताएं कि जब आप किसी की वेलफेयर के बारे में सोचते हैं तो इसके साथ ही आप अपना भी कोई रोना रो रहे होते हैं, तो इस तरह बात नहीं बनती। कई दफ़ा लोग कहते हैं इस तरीके से कि आप अपनी इज्जत बचाएं, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि ऐसा काम करें, आप ना कहा करें ये चीज़ें, अपने आप को एक्सपोज ना करें और वरना आपकी इज्जत ख़राब हो जाएगी। तो जवाब बड़ा सिंपल होता है, हम सबको अच्छा लगता है कि हमारी इज्जत हो, लेकिन ये इज्जत दूसरे हमारी करें ये हमारी चाहत है, ये हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़रूरत ये है कि हम अपनी इज्जत खुद करें। अगर हम अपनी इज्जत खुद करें मेरिट के ऊपर, तो ये है हमारी ज़रूरत। दूसरे लोग हमारी इज्जत करें हमारे खामोश रहने की वजह से या हमारे अच्छे चाल चलन की वजह से कि हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हम अच्छी गाड़ी पे घूम रहे हैं, हम मुस्कुराते हैं तो लोग हमारी इज्जत करते हैं, तो ये चाहत हो सकती है, ये हमारी ज़रूरत नहीं हो सकती। हमारी ज़रूरत सिर्फ ये है कि क्या रात को सोते वक्त हमारे दिल से आवाज़ आती है कि तुमने अच्छा किया। बस अच्छा करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी का गर्दन मरोड़ के उससे बात मनाए या किसी को आर्म ट्विस्टिंग करके उससे बात मनाए। आपने बात करनी है बस छोड़ देना है, फिर उसको वहीं छोड़ देना है, बात करनी है और छोड़ देना, इतना तो कर ही लेना चाहिए। लेकिन जब हम एक दफ़ा बात करते हैं तो फिर हम तुल जाते हैं, हम कहते हैं नहीं हूँ आज ही मैं सारा काम करके छोड़ना। इससे खराबी पैदा होती है, इससे कोडिपेंडेंस पैदा होती है, इससे रोगी बनते हैं लोग और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो रोगी बन चुके हैं। जिस तरह एडिक्शन में डिनाइल होता है, इसी तरह रोग में भी डिनाइल होता है। रोग को पहचानने की ज़रूरत है। रोग वो होता है जबकि हमारा कोई प्यारा गलत काम कर रहा होता है और हम उससे ज़्यादा तड़पते हैं। जब हम उससे दूर जाते हैं तो हमें बेचैनी होती है और जब हम उसके करीब आते हैं तो हमें गुस्सा चढ़ता है और हम अपना बस ना चलने से बहुत परेशान होते हैं। हमारा दीवारों को टक्करें मारने को दिल करता है। कभी हम उसे कहते हैं मेरी तरफ़ से तुम मरो, मेरी तरफ़ से तुम जितना मर्ज़ी जा कर नशा करो, मुझे कोई परवाह नहीं है। कभी हम रो के उसके पाँव में गिर जाते हैं कि तुम्हारी मेहरबानी तुम नशा ना करो। कभी हम उसकी फेंटी लगा देते हैं और फिर हमारा ख्याल होता है कि हमने बहुत बुरा किया है, फिर हम उससे माफ़ी मांग लेते हैं, फिर हम उसको वही दे देते हैं जिससे हम मना कर रहे होते हैं। इसको हम कोडिपेंडेंस कहते हैं, रोग कहते हैं। इस रोग से निकलने की ज़रूरत है। हर घर में जहाँ एक नशे का मरीज़ है वहाँ 2 रोगी पाए जाते हैं और उन रोगियों का सेहतमंद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो रोगी सेहतमंद नहीं होंगे तब तक वो मरीज़ भी जो एडिक्शन में मुब्तला है वो भी सेहतमंद नहीं होगा। उस रोग में से निकलना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये देखते ही देखते हो जाता है। इसलिए आपने देखा हम कभी इतना कलपते नहीं है, हमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं कामयाबी की कोई ना कोई बूंद कहीं ना कहीं से टपकती रहती है।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए,